सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी हिंदी विषय में स्वागत है। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 3 फूल का मूल्य नामक कहानी का भाग 1 और 2 पढ़ लिया है ना। अभी तक हमने इस कहानी में पढ़ा है, सुदास माली कमल का फूल लेकर राजमहल के सामने इस उम्मीद से खड़ा रहता है कि पुष्प प्रेमी राजा उसे बुलाएंगे और सुंदर फूल को लेकर खुश होंगे और उसे मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे देंगे। इसी बीच राजपथ से एक व्यक्ति गुजरता है और वहां आ जाता है और वह सुदास माली से पूछता है, तुम्हें यह फूल बेचना है? सुदास कहता है, नहीं, मैं तो राजा जी को भेंट करूंगा। वह व्यक्ति उसकी कीमत देने को तैयार हो जाता है, वह 1 अशर्फी देने को तैयार है। तो राजा प्रसेनजीत 10 अशर्फियां देने को कहते हैं। वह व्यक्ति 20 अशर्फियां देने की बात कहता है। वह व्यक्ति कहता है, आज हम यहाँ राजा प्रजा के रूप में नहीं हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में खड़े हैं, है ना। इतना बेटा हमने पढ़ लिया था। अब आगे क्या होता है हम इस कहानी के अंतिम भाग 3 में पढ़ेंगे। वह व्यक्ति कहता है, आज हम दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते, हम दोनों एक भक्त के रूप में यहाँ खड़े हैं और राजा और प्रजा के रूप में नहीं हैं। ओज पूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 अशर्फियां कही हैं तो मेरे 40। राजा जी अपनी एक कड़क आवाज में बोलते हैं कि मैं तो तैयार हूँ और तुमने अगर इस बात के लिए 20 अशर्फियां कही हैं तो मैं 40 देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना ही नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। उसने सुदास ने क्या किया, जब दोनों कह रहे थे, राजा कहता है कि ये अगर तुम्हें 20 अशर्फियां देता है तो मैं 40 देता हूँ, इतने में उसको वो क्या करता है, वहां से चला जाता है, बोलता है मुझे तो ये फूल बेचना ही नहीं है। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस महात्मा के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, द्रव्य यानी धन दौलत, वे स्वयं कितने धनवान होंगे, कितने महामना होंगे, उनके चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वह उस ओर बढ़ा जिधर महात्मा बुद्ध ठहरे थे। सुदास के मन में बात आती है, ये दोनों इतनी बहस कर रहे हैं और इतना धन देने के लिए तैयार हैं, जिस महात्मा के लिए इतना धन देने को तैयार है तो वो तो न जाने कितने धनवान होंगे, और मैं अगर ये फूल उन्हीं को अर्पित कर दूंगा तो मुझे तो बहुत सारा धन, न जाने कितना धन मिल जाएगा। अब वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर महात्मा बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट, मुंह पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुंह से निकल रही थी। वट वृक्ष के नीचे कौन बैठा था? महात्मा बुद्ध, है ना, और उनका ललाट एकदम उज्जवल चमक रहा था। मुंह पर आनंद की प्रभा थी, आनंद की चमक थी, खुशी थी, और होठों से ऐसा लग रहा था, होठों से और आंखों से मान लो अमृत टपक रहा हो। और बादल जितने गंभीर होते हैं ना, उनकी गंभीर जो आवाज आती है, वैसी ही आवाज वो तपस्वी के मुंह से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेश भाव से उस महात्मा की ओर। सहसा भूमि पर झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल का फूल चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ा दिया सुदास ने? महात्मा बुद्ध के चरणों में। वट वृक्ष के सघन कुंजों में से पंछी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हों। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया,
हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? सुदास ने जब महात्मा बुद्ध को वह भेंट किया उनके चरणों में फूल को, तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं, सुदास क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो अपने गदगद भरे स्वर में कहता है, प्रसन्न होकर कहता है कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की धूलि की केवल मात्र एक कण चाहिए। तो मने मेरा जो पुष्प है सही जगह पर पहुंच गया, और इस बात को सोच करके सुदास बहुत खुश हो रहा था। तो देखिए, आपको समझ में आया फूल का मूल्य क्या है? न 10 अशर्फी, न 20, न 40, बल्कि महात्मा बुद्ध के चरणों में वह पुष्प चला गया। तो सुदास बहुत खुश हो गया कि मेरा फूल सही जगह पर चला गया। तो ये कहानी बेटा हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे कुछ प्रश्नों के द्वारा, है ना। राजा प्रसेनजी तथा उस व्यक्ति की बहस के बाद सुदास माली ने क्या कहा तथा क्या किया? सुदास ने फूल बेचने से मना कर दिया तथा वह वहां से चला गया। वह फूल लेकर कहाँ गया? नगर के बाहर। कहाँ चला गया? नगर के बाहर। नगर के बाहर खड़ा होकर सुदास क्या सोच रहा था? सुदास नगर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि जिस महात्मा के लिए ये भक्त लोग इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, तो वे स्वयं कितने धनवान होंगे। मैं उन्हें ही यह पुष्प क्यों ना अर्पित कर दूं, तो मुझे न जाने कितना धन मिलेगा। तो वट वृक्ष की छाया में कौन विराजमान थे जब वहां पहुंचा? तो वहां वट वृक्ष की छाया में महात्मा बुद्ध विराजमान थे। महात्मा बुद्ध कैसे दिख रहे थे? उज्ज्वल ललाट, उनका जो मस्तक था चमक रहा था, मुंह पर भी आनंद की चमक थी, और होठों और आंखों से उनके नैनों से अमृत की वर्षा हो रही थी, सुधा की वर्षा हो रही थी। सुदास ने वह फूल कहाँ रख दिया? सुदास ने वह फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में। फिर महात्मा बुद्ध ने सुदास से क्या कहा? उनसे कहा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? तो उसने कहा, मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, आपके पैरों की धूलि का एक छोटा सा कण, उसमें मेरा उद्धार हो जाएगा, और मेरे फूल की सही जगह वही है, मेरे फूल का मूल्य वही है कि आपके चरणों में अगर अर्पित हो गया तो मुझे दुनिया का धन मिल गया। तो ये बेटा कहानी हमने पढ़ी है, समझी है, और इसको अब आपको ध्यान से पढ़ना है, और इस भाग से भी आपको 5 या 7 प्रश्न बनाने, यही आपका गृह कार्य है। और जो शब्दार्थ हैं उनको भी आपको 2-2 बार पढ़ना है, और अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अपन कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।